Banana Jody, my mom. मेरी मौसी स्माइल दो, मम्मी से भी ज्यादा सुंदरी है. और ये है मौसा जी, देखा मौसा जी हंस बोलना ठीक है. और ये है पापा, और ये है भाई, और ये दो है कच्चा बच्चा. जो इसको तो जानते ही आप देख लिए ऑलरेडी. और ये है मेरा गुड्डी. हाय टू योर डैड इज डूइंग यू हाय टू मां टू फॉर योर डैड इज मां के मदर एक कर दे हाय 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 मां का हाय 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 हाय. तो गाइस ये है मेरा क्यूट सा प्यारा सा भाई, एक बार नाम बता दो. शुक्र चौधरी. सो ये भी मेरा भाई है जिसके घर में मैं आई हूँ. ये है ब्रदर एंड दिस इज माय सिस्टर. हेलो. सुना है उसका नाम. सो ये भी दूर जा रही है इस फिलहाल से भी. ये पार्टी हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है. तो फिलहाल बाकी जो मामा मामी है दोनों रह गए, उनके साथ भी हम लोग इंटरव्यूज करवाएंगे. इसके लिए इंतजार कीजिए, वेट कीजिए एंड वॉच करते रहिए. आफ्टर इंट्रोडक्शन हम लोग जा रहे हैं छत पे. तो छत में थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि रूम में बैठ के ना थोड़ा गर्मी, बहुत ही समर का सीजन है ना, इसलिए ऊपर आके तो ये लोग पता नहीं लोग की पंख कहाँ से निकल गए, ऐसे रनिंग कर रहे हैं. व्यू भी बहुत अच्छा है एंड हवा भी बहुत अच्छा है. ये थोड़ा टाइम थोड़ा नेचुरल हवा खाने का है, बस यही सोच लीजिए आप लोग. हम लोग थोड़ा यहाँ पर मतलब अगरतला में बहुत दिनों के बाद आएंगे. और ये मामा का घर है मेरा, तीन मामा से जो मिडिल मामा है उस मामा के घर है, वो टाउन में ही रहती है, बाकी तो विलेज में रहते हैं. बाकी का मैं आप लोगों को दिखाया था. तो ये मामा का घर, तो हम लोग यहाँ पर टॉप फ्लोर में हम लोग इंजॉय कर रहे थे. तो ये ड्राइंग रूम में ये राउंड चेयर से लेके खेल रहे. अभी फ़िलहाल थोड़ा खाना खा लेते हैं, इसके बाद करेंगे एंजॉय. वही भी अपना प्लेट ले लिया और खाना कंप्लीट करने के बाद आइसक्रीम का बड़ा मज़े से चख रहे हैं. तो यहाँ पर मैं आने के ओकेशन में मामा जी ने बहुत से लोग को बुलाया था क्योंकि एक गेट टुगेदर होते हैं ताकि सब लोग देख सके और बहुत दिनों के बाद मिल सके, एंजॉय कर सके. इसलिए बहुत लोगों को बुलाया है, मासी मौसा जी सबको बुलाया है और बहन बाकी जो था ये सबको बुलाया है. तो यहाँ पर रूही आइसक्रीम खाते नाक में लग गए है. रूही को ही सब लोग आके पिंच करके जाती है क्योंकि वो इरिटेट होती है ना, इसलिए सब लोग उसको चिराने का बहुत एंजॉय करती है, चिराने का. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से बहुत से लोग आए थे यहाँ पर खाना खा रहे. मैं तो फिलहाल खाना ख़त्म ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना सारा पेट भर गया है. तो मम्मी और मैं हम दोनों अभी आइसक्रीम खा रहे हैं, मेरा प्लेट भी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ. तो अभी खाने के बाद हम लोग रहे एक फैमिली रेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग सब लोग हैं, मौसी बहन उसके बच्चे मेरे बच्चे मामा जी का बच्चे सब लोग यहाँ पर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं. यहाँ पर मैं ना रूही को चिरा रही हूँ, मैं मौसी की गोद में थी और वो मौसा जी के गोद में, वो चिर रही थी कि मैं मौसी के गोद में थी, इसलिए हम वो बहुत गुस्सा हो रही है. ये सब हम लोग करके एंजॉय कर रहे, टाइम को स्पेंड कर रहे गाइस. रियली बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग एक फैमिली के साथ आते हैं ना, वो भी बहुत दिनों के बाद और एक गेट टुगेदर होते. आज का दुनिया में तो मतलब ये सब नहीं मिलता है, एक साथ सब लोग सिर्फ पार्टी हो ओकेशन हो इस वजह से ही तब मिलते हैं. तो तब एक दूसरे के साथ बात करना फीलिंग शेयर करना नहीं होता है, ये ऐसा कम शहर है जो हम लोग सब एक साथ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, फ्रीली है, कोई हज नहीं, कोई बस नहीं, ना कोई साउंड है, अच्छा लगता है. ये कुछ मेमोरीज़ जो मैं मेरे साथ लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ. और तो और सब लोग को तो इंट्रोड्यूस आप मैंने करवा दिया है, आप लोग को पता ही है कौन क्या है.
तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मन का फीलिंग, सबका मन का फीलिंग, जोक मजाक मस्ती, क्योंकि खाना तो हो गया, इसके बाद जोक मजाक मस्ती। और एक्चुअली हम लोग अभी ठंडाई पी रहे हैं, कोका कोला खा रहे थे सब लोग मिलके अच्छे से, क्योंकि गर्मी के सीज़न बहुत है, बाप रे। और बच्चे के साथ छीन मचोर भी कर रहे हैं। पापा जी भी देखो, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था रूही, इसीलिए वो उसे खींचने के लिए उसे गोद में लेके आ रहे हैं। वो सिर्फ गोद में जाएगा तभी दूसरे के गोद में जाएगा, नहीं तो मेरे पीछे पीछे ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, इसीलिए वो ऐसा मतलब साहब के गोद में, मिस पापा जी के गोद में नहीं तो मम्मी जी के गोद में, या उस जान पहचान नहीं है ना, इसमें प्रॉब्लम है। ऐसे भी पहले आता तो शायद थोड़ा बहुत जान पहचान होता, अभी तो नहीं है, इतना दूर है, करोना है ये भी, इसके वजह से तो हम सब लोग रिश्तेदार से दूर हो गए, पता नहीं ये आफत करोना जाएगा कब हमसे छोड़। तो यहाँ पर देखिए इसको चिढ़ा रही है खाने के लिए, वो नहीं पीना चाहती है और उसको देने की कोशिश कर रही है। हम लोग अभी पूरा टायर्ड हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ थोड़ा वीडियो सब लोग का। ये मामी जी है, मामी जी को मैं वीडियो में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, तो यहाँ पर है मामी जी। मामी जी हम लोग को चाय के लिए बोल रहे थे, तो हम लोग उसने मेनू ले लिया, ये मैं हूँ वीडियो कर रही हूँ और देख सकते हैं हम लोग बहुत पार्टी एंजॉय किए एक साथ चाय पी के। आप लोगों को ये कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिए। ये मीठा सा एक पल, और ये है सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का हम लोग का गैंग, जो हम लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा डांस थोड़ा मस्ती। ये वीडियो मैं इंस्टाग्राम में दिया था, इसलिए ऐसे शॉर्ट्स आप लोगों को भी शेयर किया। तो दिस इज माई सिस्टर्स एंड कुछ फोटोज जो उस दिन मैंने क्लिक किया था, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और पसंद भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अगर पसंद नहीं आया फिर भी डिसलाइक भी दे ही सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स से बाय।